लास्ट लेक्चर में हमने ये किया कि अगर आपके पास कोई बड़ा ड्रॉप है ऑफ रेडियस आर और मैंने उसको एन छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया, तो रूल नंबर वन, क्योंकि पानी का ड्रॉप है तो वॉल्यूम की वैल्यू जो बड़े ड्रॉप की होगी और जो छोटे ड्रॉप की होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी, सेम। ये तो आपने करना ही करना है क्योंकि आपको एक रेडियस गिवन होता है, दूसरा आपको निकालना होता है। ये पहला स्टेप है। दूसरा, एरिया बड़े ड्रॉप्स का एरिया कुल मिला के इतना होगा और छोटे का बड़े का इतना होगा, इनका जो एरिया है वो बिग है और ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो एरिया की वैल्यू इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब आप बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ते हैं तो आपका सरफेस एरिया बढ़ता है, बढ़ता है। ऐसा करने में कोई भी बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में अपने आप कभी नहीं टूटता, आपको क्या करना पड़ता है, वर्क डन। तो वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया में बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करेंगे इज सरफेस टेंशन। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू आएगी टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ऐसा करने में वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, यह आंसर आ गया। लास्ट टाइम ये हमने किया था, ठीक। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन करके वो बड़ा ड्रॉप बनाने को कहेगा। तो छोटे ड्रॉप्स कंबाइन जब होते हैं हमें वर्क डन करना नहीं पड़ता, आप छोटे छोटे ड्रॉप को इकट्ठा रख दें वो अपने आप ही कंबाइन हो जाते हैं जब मिलते हैं। तो वो ऐसा देगा कि आपके पास छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, स्मॉल ड्रॉप्स हैं, स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बना रहे ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि बड़ों छोटे छोटों का सरफेस एरिया बड़ा है और बड़ों का छोटा है, ठीक है यहाँ तक सरफेस एरिया। तो ऐसा करने में हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता, ऐसे केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी डिवाइडेड बाई चेंज इन एरिया। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया टी इंटू एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर, ये एनर्जी रिलीज होगी, ठीक हो गया। तो अगर क्वेश्चन में आए एनर्जी रिलीज तो निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो किसको मिली, वो बड़े ड्रॉप को मिल जाएगी। तो वो कहेगा जो एनर्जी रिलीज हुई ना उससे बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो बताओ कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड की जगह पुट करेंगे एम सी डेल्टा थीटा, सी फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सी फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो याद है हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज की प्रॉब्लम आती है हम क्या पुट करते हैं, एम सी डेल्टा थीटा। तो ये एनर्जी जो रिलीज हुई वो हीट में कन्वर्ट होगी एम सी डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा आपको निकालना होगा। इसमें जो मास है वो किसका, बड़े का कि छोटे ड्रॉप का है, इसमें m किसका है, बड़े का, क्योंकि एनर्जी किसको मिली, बड़े ड्रॉप की। तो बड़े ड्रॉप के लिए वॉल्यूम बड़े ड्रॉप का इनटू डेंसिटी बड़े ड्रॉप की, ये एंड में पुट कर लेंगे। यहां से डेल्टा थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर पेपर में ऐसे आ जाए फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपने कैसे करना समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, ये लॉजिक नंबर वन है। लेकिन कभी कभी वो क्या कहेगा कि डेल्टा थीटा यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज उसे नहीं निकालना, ठीक है, उसको टेम्परेचर इंक्रीज नहीं निकालना। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि जो बड़ा ड्रॉप है ना, जो बड़ा ड्रॉप है उसने भागना शुरू कर दिया, इट रिक्वायर्स अ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां से एम की वैल्यू पुट करेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो मुझे नहीं पता वो क्या पूछेगा, वो वेलोसिटी पूछ सकता है तो हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी रिलीज्ड, अगर वो टेम्परेचर पूछता है तो एम सी डेल्टा थीटा। कोई डाउट है इसमें, आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक। तो आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट, क्लियर है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर जैसे लास्ट टाइम हमने सरफेस टेंशन की फोर्स के ऊपर क्वेश्चन तो कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अ लिक्विड ड्रॉप ब्रेक्स ऑफ डायमीटर कैपिटल डी ब्रेक्स अप इंटू 27 टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो कैपिटल डी रेडी डायमीटर है और वो 27 ड्रॉप में टूट गया। फाइंड रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी और सरफेस टेंशन टी है। तो एक बात बताओ कि जो 27 ड्रॉप्स हैं वो टूट गए, तो ब्रेक्स ब्रेक होके छोटे छोटे ड्रॉप बन गए, तो वॉल्यूम सबका क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो पहला काम क्या करना होगा,
पहला काम हमें ये करना होगा कि अगर मान लो एक बड़ा ड्रॉप है जिसका डायमीटर डी है, डी डायमीटर है, तो रेडियस बोलो क्या होगा, डायमीटर बाय टू, और ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक हो गया, और कितने ड्रॉप्स हैं, 27, इनका रेडियस मुझे पता नहीं, मान लो आर। रूल नंबर वन, जो वॉल्यूम है बड़े ड्रॉप का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 × 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। वॉल्यूम इक्वेट करके आपके पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई, दैट इज आर डिवाइडेड बाय 3। सही है? तो छोटे ड्रॉप का रेडियस को क्या लिख सकते हैं, आर को लिखते हैं डायमीटर बाय 2/3, यानी कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि क्वेश्चन कैपिटल डी की फॉर्म में चल रहा है। तब आपको स्मॉल आर पता लग गया, आपको कैपिटल आर कैपिटल डी बाय 2 पता लग गया। अब ऐसा करने में क्या हुआ, आपको निकालना है चेंज इन एनर्जी, सरफेस टेंशन इज चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, डेल्टा ए चेंज इन एरिया। तो एनर्जी की जो वैल्यू है इसमें क्या आएगी, एनर्जी की वैल्यू टी इंटू डेल्टा ए। टी हमें पता है, एरिया बोलो क्या पुट करेंगे, 27 ड्रॉप्स का एरिया इसमें क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और बड़े ड्रॉप का एरिया इसमें कम आएगा, ऐसे होगा चेंज इन एरिया। तो एनर्जी लीज या एनर्जी चेंज, एनर्जी क्या होगी, टी इंटू एरिया। बस एंड में काम करना है, आप कैपिटल आर की फॉर्म में आंसर ना पुट करें, आप नेक्स्ट स्टेप में टी, ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में टी 27 × 4π स्मॉल आर की जगह क्या, d/6, 4π कैपिटल आर की जगह d/2 का स्क्वायर, ये लो, यहां से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना, चेंज इन एरिया की गेम है, वॉल्यूम से रेडियस का रेशियो आएगा, चेंज इन एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, तो अपने आप एनर्जी ऑफ वर्क डन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो ये जो शीट का होमवर्क होगा ना उसके अंदर ये क्वेश्चन है, तो जब आप होमवर्क सबमिट करेंगे उसमें क्वेश्चन आएगा, मिलते जुलते ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको मिलेंगे, वहां से आंसर आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है यहां तक? ठीक है, डाउट है? सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन सिग्मा या टी किसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप क्लियर है आपको, यही किया हुआ है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू चेंज इन एरिया, और रेडियस की वैल्यू डायमीटर की फॉर्म में पुट करके आंसर आ जाएगा टी इंटू 2π d2। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में, नीट में, सीबीएसई में, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को एक बार देखें, क्वेश्चन है, अगर n ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन s ऑल ऑफ सेम रेडियस स्मॉल r कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल r, तो छोटे छोटे ड्रॉप बड़े ड्रॉप में बन गया, छोटे ड्रॉप अपने आप ही बड़े ड्रॉप में बन ही जाते हैं, तो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज। बड़े ड्रॉप को तोड़ना पड़ता है, छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बनता है, तो एनर्जी रिलीज हो गई। अब वो कह रहा है कि स्मॉल r कैपिटल r गिवन है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स जितने बने मुझे पता नहीं, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, शो दैट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला। तो टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया, तो क्या फॉर्मूला होगा, ये इसके इक्वल प्रूफ किया जाए। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा ड्रॉप छोटा ड्रॉप इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके रेशियो आ गई, एन की वैल्यू क्या आ गई, बड़े आर क्यूब बाई छोटा आर क्यूब, स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, इसमें एनर्जी रिलीज क्या होगी, सरफेस टेंशन इंटू डिक्रीज इन एरिया, वही सेम स्टेप है, तो एनर्जी रिलीज टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या होगा, छोटे ड्रॉप्स का एरिया माइनस बड़े ड्रॉप का एरिया, छोटे ड्रॉप का एरिया क्या होगा, एन इंटू 4π छोटा आर स्क्वायर माइनस 4π बड़ा आर स्क्वायर, ये स्टेप भी क्लियर है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इससे बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ गया, बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर क्या है, एम सी डेल्टा थीटा, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई उससे बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ गया, और बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर हो गया एम सी डेल्टा थीटा। आपको क्या निकालना है, डेल्टा थीटा। लिक्विड का ड्रॉप किसका बना हुआ है, वाटर का, तो नोट कर लें, वाटर के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डेंसिटी वाटर की 1 g/cm³ होती है, और स्पेसिफिक हीट वाटर की बाय डिफॉल्ट गिवन हो या ना गिवन हो, ये बाय डिफॉल्ट 1 K/g/cm होती है। तो दोनों चीजों को आपने स्टार लगा के याद करना है, वैसे ये टर्म थर्मो के अंदर बहुत यूज होती है, आपको याद हो जाएगी।
तो स्पेसिफिक हीट और मास किसका, अब क्योंकि टेम्परेचर किसका बढ़ा हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ किसका, बड़े ड्रॉप का, तो बड़े ड्रॉप का मास क्या होगा, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना है 4/3π R³, बड़ा ड्रॉप की बात हो रही है, और डेंसिटी वाटर की क्या होती है 1, स्पेसिफिक हीट क्या होती है 1, डेल्टा थीटा मुझे निकालना है। अब एक प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक हीट क्योंकि कैलोरी में चल रही है, और ये टर्म क्या है, ये हीट है, हीट किसमें मेजर की जाती है, कैलोरी में, तो ये पूरी टर्म के यूनिट्स क्या आएंगे, कैलोरी, लेकिन एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसमें मेजर की जाती है, जूल में, और जूल की टर्म कैलोरी से इक्वेट नहीं हो सकती, या तो दोनों जूल हो या दोनों कैलोरीज हो, तो एक काम करते हैं, ये कैलोरीज है और ये जूल्स हैं, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, यहां पर 4.2 की 2 की जगह सॉल्यूशन में जे गिवन है, जे का मतलब जूल्स इक्विवेलेंट है, दैट इज 4.2, तो आप सिंपली इस पूरे रिजल्ट को किससे डिवाइड कर लेंगे, जे से, मतलब जे का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करके आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरीज में। अब जे से डिवाइड करने से जूल्स किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरी, ये तो ऑलरेडी कैलोरीज चल रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा थीटा, तो यहां से काम करते हैं, डेल्टा थीटा को एक तरफ, ये वाली टर्म इसके नीचे डिवाइड कर दी, तो ये टर्म आ गई डेल्टा थीटा की, डेल्टा थीटा आ गया। इस डेल्टा थीटा में न्यूमिनेटर में से 4π को कॉमन निकाल दिया, तो ये टर्म आ गई आपके पास, 4π से 4π कैंसिल, तो क्या बचा, R³, ये टर्म आ गई आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पे इस टर्म में इस R³ को अंदर ले जाओ, जे को बाहर ले आओ, जे बाहर आ गया, R³ इसके और इसके नीचे आ गया, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें एन नहीं आ रहा, तो एन को एलिमिनेट कर दिया, किससे एलिमिनेट कर दिया, R³ / r³ से, R³ r² कैंसिल स्मॉल r, ये पूरे का पूरा कैंसिल, तो आपके पास जो प्रूफ करना है आंसर आ जाएगा। ये सारा मैथ है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स सिर्फ ये थी, अगर डेल्टा थीटा निकालने को कहूँ, प्रूफ करने कहूँ, यहाँ से सिंप्लीफाई करके एन को एलिमिनेट करके आप आंसर तो निकाल ही सकते हो। तो ये मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है अपनी शीट के अंदर, तो जब आप होमवर्क करके आएंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, वहां से आपने खुद एक बार ट्राई करना है। मिलता जुलता क्वेश्चन आज मैं ट्राई करवा के भेजूंगा अभी थोड़ी देर में, बट यहां तक मेथड समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसके बेस पे ये वाला 3 ऊपर चला गया ना, ऐसे वो आपने खुद ट्राई करना है, मैं आपको मिलता जुलता भी क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई करना, ठीक है। ये तो आप होमवर्क में कर ही लेना, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, रुको। तो आप इसमें काम करें, इसमें जो आपको ये शीट दी थी जिसमें ये सरफेस एनर्जी का टॉपिक था, उसके बाद ना ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है पहला हमने कर लिया था, रादर क्वेश्चन नंबर 2 एक बार खुद ट्राई करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस 2 to 3, सरफेस टेंशन आपको गिवन है, तो एक बात बताओ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, सरफेस टेंशन की वैल्यू सीजीएस में कितनी है 30, डेल्टा ए बोलो फाइनल एरिया कितना है 4π 3² 4π 2² ये इंक्रीज इन एरिया आ गया, सब कुछ सेंटीमीटर सीजीएस में चल रहा है, तो आपका वर्क डन भी किस में आएगा, अर्ग्स में, आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर, मेथड समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय टी इनटू डेल्टा ए, तो टी पता है, डेल्टा ए पता है, आंसर। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड में ये बताएं कि रेडियस कहां से कहां लिया, जीरो से, बिल्कुल ठीक। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन टी पता है,
हाउ मच वर्क इज डन टू प्रोड्यूस अ सोप बबल ऑफ रेडियस इतना, तो कहाँ से, फ्रॉम जीरो, पूरे का पूरा ही फुलाने। तो यानी कि जो वर्क डन की वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, टी इंटू डेल्टा ए, सरफेस टेंशन आपको पता है 0.03, एरिया में 4 पाई कितना 0.05 का स्क्वायर माइनस 0। तो इसका आंसर जो है वो जूल में आएगा आंसर, मल्टीप्लाई कर लेना, पूरा पूरा फुलाना है। तो पहले 2 से 3 फुलाना था, 0 से 0.05 फुलाना है, तो एक रेडियस 0 और दूसरा 0.05, ठीक है यहाँ तक, तो मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिक्विड ऑफ डायमीटर डी ब्रेक्स इनटू 27 ड्रॉपलेट्स, अभी किया था डायमीटर डी को ब्रेक किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट है, ऑलरेडी डन। इसमें क्वेश्चन करें ये वाला 500, फिफ्थ होमवर्क लें 500 अर्ग्स, इसको देखें एक बार कैसे करेंगे। दो केस आएंगे, दो केस बनाएं, तो इफ 500 अर्ग्स ऑफ वर्क इज डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, व्हाट एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्लो इट फ्रॉम रेड टू अ रेडियस ऑफ 3 आर। तो केस नंबर वन में जो वर्क डन है, देखो वो क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए होता है। तो वर्क डन कितना है, 500 है, सीजीएस में चलने दो, टी मुझे पता नहीं है इसमें, एरिया क्या किया हमने 4 पाई आर स्क्वायर, कहां से, जीरो से, इक्वेशन नंबर, तो जीरो से रेडियस हमने क्या कर दिया, आर रेडियस कर दिया, ठीक, केस वन क्लियर। केस नंबर टू में रेडियस हमने वर्क डन निकालना है, टेंशन सरफेस टेंशन इनटू एरिया कहां से कहां किया, रेडियस कहां से कहां किया, आर से 3 आर, फर्दर 3 आर कर दिया, तो चेंज इन एरिया में 4 पाई 3 आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को प्लीज जरा डिवाइड करें और वर्क डन की वैल्यू देखें क्या आ रही है, डिवाइड कर लें, सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल, तो कैंसल करके आंसर क्या आ रहा है देखें, डिवाइड करके 8000 चेक कर लो, फोर थाउजेंड आना चाहिए यार, ये देखो ना 8 हो गया ना, डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा, तो ये अच्छा 8 स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, चेक करो क्या आ रहा है फिर एक बार शीट में, क्या क्या मैंने देखना आंसर, 8000 ये 4000 आ रहा होगा फिर, 4000, हाँ 4000, ओके ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 4000 आंसर आएगा, ठीक है 4000, ठीक है। ये क्वेश्चन करें, इसका आप फाइनल आंसर देखिए क्या होगा, ये एमसी डेल्टा थीटा की तरह ही है, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस इसमें बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, आपको वेलोसिटी निकालनी है।
तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि छोटे छोटे ड्रॉप सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हुए। ये देखो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, रेडियस स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर में कन्वर्ट हो गए। तो रूल नंबर वन, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से कैंसिल करके एन की रेशियो आ गई आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये तो करना ही था, पहला स्टेप है, ठीक है। अब इसमें एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी रिलीज होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू चेंज इन एरिया। तो जो एनर्जी रिलीज हुई विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन टी या सिग्मा, इसमें मेरे ख्याल से सिग्मा गिवन है तो कोई बात नहीं, हम सरफेस टेंशन को सिग्मा ले लेते हैं। तो सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया की जगह एन इंटू छोटे ड्रॉप्स का एरिया बड़ा होगा और बड़े ड्रॉप का एरिया छोटा होगा, ये एनर्जी रिलीज है, ये भी क्लियर है। एन तो हमें गिवन नहीं है, तो हमें काम करते हैं जो एनर्जी रिलीज है विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एन की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी, एन की जगह कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, ये एनर्जी रिलीज है, ठीक। तो एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब बाई आर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये एनर्जी रिलीज है, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बिग ड्रॉप। बड़े ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, हाफ इनटू बड़े ड्रॉप का मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। बड़े ड्रॉप का मास क्या होगा, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू पानी की डेंसिटी जो कि एसआई में क्या होती है, 1 इनटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एनर्जी के इक्वल कर देते हैं, ये लो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये टर्म आ गई, ठीक है यहां तक। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप है हाफ इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, एक काम करते हैं इसमें से 4 पाई आर क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आर बच गया और ये 1 बाई कैपिटल आर हो गया, क्योंकि कैपिटल आर क्यूब कॉमन निकाला है, यहाँ आर स्क्वायर था तो आर से डिवाइड करना पड़ा, इसलिए निकाला क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म इससे क्या हो गई, कैंसल। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी स्क्वायर क्या आएगा, 6 इंटू सिग्मा 1 बाई छोटा आर 1 बाई बड़ा आर, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी इसका, अंडर रूट। तो ये ऑप्शंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव आया, सब्जेक्टिव मिलेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट में छोड़ दे रहा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें।